के चरणों में कोटिश्वंद वंदन उन महापुरुषों के चरणों में जिन्होंने जोधपुर के इस संग भूमि को निरंतर अपने तप संयम साधना से सिंचित किया वंदन उन श्रमण भगवंतों को उन गुरु भगवंतों को जिन्होंने आपके अंदर धर्म के प्रति आस्था का बीज बोया पाप के बीज बोने वाले बहुत मिल जाते हैं धर्म के बीज बोने वाले नहीं मिलते वंदन उन गुरु भगवंतों के चरणों में जिन्होंने बीज भी बोया और बीज का सिंचन भी किया सुरक्षा भी करी पल्लवीद भी किया पुष्पित भी किया और दुशासन के जमाने में जिन्हें शासन का छत्र हमें उपलब्ध करा के दिया उन गुरु भगवंतों के चरणों में आस्था आस्थापूर्वक वंदन करें नमन करिए अपने माता पिताओं को जिन्होंने आपको धर्म के साथ जोड़े रखा है जैसे माँ बाप आपको मिले वैसे सभी को मिल जाते तो सभी धर्म की राह पर आ जाते एक बार अपने माँ बाप के उस वात्सल्य का उस संस्कार दात्री माँ बाप का अपने हृदय में स्मरण करिए और सोचिए यदि उन्होंने आपको व्यसन से मुक्त नहीं रखा होता तो जीवन कहा भटकता पता ही नहीं चलता है। गुरु चरणों में भी आपको लेकर के गए तो आप अपने कदमों से नहीं गए आपके मां बाप आपको गुरु चरणों में लेकर गए उन्होंने गुरु चरण के साथ आपके मस्तक को जोड़ा मराठी के एक नाटककार का एक वाक्य बहुत बाहर जीवन में उभर करके आता है मराठी में है लेकिन मैं हिंदी में दोहरा रहा हूं आपके लिए अभागी होते हुए लोग जिनको मस्तक झुकाने की जगह नहीं मिलती हदभागी होते हुए लोग जिनको चरण जुक, मस्तक झुकाने की जगह मिलने के बाद भी मस्तक झुकाने की अक्कल नहीं होती वो पहला संकल्प जीवन में करें कि जिंदगी में कभी गौशालक नहीं बनेंगे पहला संकल्प करेंगे कि जिंदगी में कभी कोनिक नहीं बनेंगे जिस परमात्मा ने तेईस तीर्थंकरों ने जो नहीं किया केवल ज्ञान होने के पहले भगवान ऋषभदेव से लेकर तो भगवान पांचनाथ तक के किसी तीर्थंकर ने किसी को साधना नहीं दी यदि भगवान ऋषभ देव अपने साथ हजारों दीक्षित राजाओं को साधना का मंत्र दे देते तो क्या नजारा होता है जो तेवीस तीर्थंकरों ने नहीं किया ऐसी कृपा जिसको मिली गोशालक एक निगाह से देखता हूं तो लगता है कि गोशालक जितना सौभाग्यशाली कोई नहीं जो कृपा नंदीवर्धन को नहीं मिली जो कृपा सुदर्शना को नहीं मिली उस कृपा का वरदान किसी पर बरसा है। गोशालक पर बरसा है लगता है कि गौशालक जितना सौभाग्यशाली और कोई नजर नहीं आता है। लेकिन अपने सौभाग्य के नंदनवन को दुर्भाग्य का रेगिस्तान बनाने वाला गोशालक ना आप कभी बनो ना मैं कभी बनो ये संकल्प सबसे पहले लोग कहते हैं कि कृपा मुश्किल से मिलती है जिन शासन कहता है कि तीर्थन के की कृपा 24 घंटे हर जगह मिलती है वाक्य को पुनः दोहरा रहा हूं लोग कहते हैं कि प्रभु की कृपा मुश्किल से मिलती है जिन्हें शासन कहता है कि तीर्थंकर और सिद्ध परमात्मा की कृपा 24 फोर आवर्स एवरी हियर कंटिन्यू रेन होती है कंटिन्यू बरसती है गोशालक बनकर क्या हम जाते हैं वो कृपा का बारिश का पानी यू ही बह जाता है एक पल के लिए कल्पना करो यदि हमारी चेतना गोशालक न होती तो आज किस शिखर पर हम होते हैं उपकारी के उपकार को स्वीकार नहीं करने का गुना इस चेतना ने इस जीवन में कितनी बार किया उसकी कोई गिनती नहीं है क्या बात है कौन है कर्मचारी है या संघचारी है उपकारियों का उपकार अपने हृदय की तिजोरी में हमने संभाल करके रखा होता है तो तुम्हें और मुझे इंद्रभूति गौतम बनने से कौन रोक सकता था कृपा नहीं मिली ये बोलने का अधिकार किसी को नहीं है सर्व जीव राशि करु शासन रसी जगत के सारे जीवों को धर्म के साथ जोड़ दू धर्म का प्रेमी बना दू इस पूर्ण संकल्प के साथ तीर्थंकर अपनी साधना को सिद्धि पर पहुंचाते हमारा संकल्प तो तीर्थंकर के संकल्प से बिल्कुल विरुद्ध में तीर्थंकर का संकल्प होता है कि चौदह राजोक में कोई भी जीव मेरे रहते हुए धर्म से वंचित नहीं रहे मैं ऐसा बोलू मैं ऐसा जीवू मैं ऐसा करूं कि हर जीव के मन में धर्म के प्रति प्रेम का जागरण हो जाए सभी तीर्थंकरों का क्या जिक्र कर पाएंगे हम उपकारों का एहसास हो जाए इसके लिए जिक्र है यदि शासन पति भगवान महावीर का भी जिक्र कर ले तुम्हारे और मेरे मन में आज जो कुल धर्म का प्रेम है ये प्रेम तुम्हारे और मेरे अंदर जिंदा रहे इसलिए उस मेरे प्यारे पिता ने ग्यारह लाख साठ हजार मासकमन किए आकड़ा दोरा होंगे कितने मासकमन जन्म देने वाली मां ने केवल नौ महीने तपस्या करी है लेकिन तुम्हारे और मेरे अंदर में धर्म के प्रति प्रेम जन्म जाए इसलिए शासनपति, शासन नायक प्रभु महावीर ने नंदन मुनि के भव में एक लाख वर्ष तक मासखमन के एकांतर करें मासखमन पारना और वापस मासकमन शुरू एक उपास का भी एकांतर करना हो तो चिंतन होता है बेले के एकांतर करने के लिए बारी आ जाए तो कहा गेले हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा मास खमन के एकांतर इस शब्द का अर्थ थोड़ा अपने सामने प्रकट करिए कि तीस दिन चौहियाार रहना कैसा रहना है तीर्थंकर की सारी तपस्या चोहार होती है तीस दिन तक चौहार रहना और एक तीसवे दिन एक बार आहार और पानी लेना है और फिर तीस दिन का तप शुरू करना है एक लाख वर्ष तक किसके लिए स्वयं को मोक्ष में पहुंचाने के लिए स्वयं को मोक्ष में पहुंचाने के लिए नहीं तुम्हें और मुझे धर्म के प्रति प्रेम हो जाए इसके लिए दिया लेकर के खोजो ऐसा परमात्मा दुनिया में कहीं मिलना नहीं है। इतनी है ना तुमने प्रार्थना करी ना मैंने प्रार्थना करी कि परमात्मा तुम हमारे लिए तब करो बिना प्रार्थना के जिसने वरदान बरसाते हैं बरसाए हैं, बरसाते रहते हैं वो तीर्थंकर होते हैं सेंटेंस वापस दोहरा रहा हूं बिना प्रार्थना के जो वरदान बरसाते थे बरसाते हैं और बरसाते रहेंगे वो तीर्थंकर होते हैं बिन मांगे जो देते हैं वो तीर्थंकर होते हैं मन्नत मानने के बाद भी पूरी होगी कि नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं उनको देव गति के देव कहते हैं और बिना मन्नत माने जो अरमान पूरे कर देते हैं उनको देवाधिदेव तीर्थं कहते के यदि उनकी कृपा का उनके सुपकार का इस जीव को ऐसा चौबीस घंटे रह जाए जैसे चंड कोशिक को रहा है जीवन सुधर गया है इसलिए पहला पहला संकल्प हम सभी का कि तीर्थंकर परमात्मा है तुम्हारी कृपा को महसूस करे हर सांस में तुम्हारे उपकारों का एहसास हर पल रहे के उपकारों की एहसास अनुभूति हर दम रहे आचार्य हरिभद्र सूरी ने सम्यत्व के डेफिनेशन देते हुए सम्यत्व के लक्षण बताते हुए जो आपके लक्षण है समेद निर्वेद अनुकंपा और आस्था इनका अंतर का रहस्य उद्घाटित करते हुए पांच लक्षण बताए बड़े डिफरेंट बताए लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बताए उसमें से एक लक्षण बताया जो उपकारियों के उपकार को महसूस करता है वो सम्य भी है जिसको उपकार के उपकार महसूस नहीं होते वो मिथ्यात्मी है ये यूनिवर्सल डेफिनेशन है ये सार्वकालिक सार्वभौमिक व्याख्या है आपनी परंपरा की व्याख्या है कि जो सुदेव सुगुरु और सुधर्म को स्वीकार करे वो समकीति है लेकिन यूनिवर्सल डिफिनेशन क्या है जो उपकारी के उपकारों को स्वीकार करे महसूस करे वो सम्य है जिसको उपकारी के उपकार महसूस नहीं हुए वो चाहे जितने मास खमन कर ले मासे, मासे तू जो मानो कुसंगेनम नम तू भुंजये मास्कमन पर मास्कमन के पारने कर ले तो भी सोलहवीं कला को भी स्पर्श नहीं कर सकता है कौन बालो शब्द क्या गया है बालो बालो यानी जो उपकारियों के उपकार को महसूस नहीं करता है आपके जानकारी के लिए जानकारों के जानकारी को रिपीट करने के लिए जितनी तपस्या गोशालक ने करी उतनी तपस्या इंद्रभूति गौतम ने नहीं करी गोशालक की तपस्या का एक तपस्या का जिक्र करूं आपके सामने जिसका भगवती सूत्र में गया है बेले बेले पारने बेले बेले पारने और बेले में खड़े रहना ऊपर हाथ कर करके खड़े और सूरज के तरफ देखते हुए खड़े रहना है और पारने में चुल्लू भर पानी और मुट्ठी भर उड़द रात में सोते समय एक ही आसन में सोना ऐसी उग्र तपस्या उसने अपने जीवन में कितनी की उसकी कोई काउंटिंग है, नहीं है लेकिन उपकारियों के उपकारों को याद नहीं रखा तो उस तपस्या से उजाला नहीं हुआ ज्वाला जन्मी ऐसी ज्वाला जन्मी ऐसी ज्वाला जन्मी कि अपने गुरु को भी जलाने की बुद्धि आई किस पर तेज्वलेशा छोड़ रहा है क्यों? जब उपकारी के उपकारों का एहसास नहीं होता है तो जिंदगी में ऐसा कोई पाप नहीं जो आप करे बिना रह जाओ और उपकारियों के उपकार का एहसास हो जाए तो जिंदगी में ऐसा कोई धर्म नहीं जो आप कर नहीं सको इसलिए आचारांक सूत्र में कहा सम्मत दंशी न करे पावम जो श्रद्धाशील होता है वो इमोशनली कोई पाप नहीं करता है इसलिए गहराई से महसूस करते हुए अपने अंतर में संकल्प करोगे कि मैं कभी भी अपने उपकारियों के उपकारों को नहीं भूलूंगा ये सत्य है ये परम सत्य है कि उपकारियों के उपकार याद नहीं रहे इसीलिए हम संसार में भटकते रहे जिसको अपने उपकारी के उपकार महसूस हो गए वो आयता वो अर्जुन वो वह चंडकोशिक तिर गए तो पहला आज का संकल्प है मैं उपकारियों के उपकारों को और आवो आज के उपकारियों का जिक्र करें सबसे बड़ा उपकार संघ का आप पर भी और मेरे पर भी यह धर्म सभा का सारी व्यवस्था रात दिन खड़े रहकर के काम कराना है मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि प्राय हम धर्म सभा में आते हैं लेकिन संघ के उपकार को महसूस नहीं करते हैं। हम केवल महसूस करते हैं संघ ने क्या नहीं किया उसको महसूस करते हैं संघ ने क्या किया उसको महसूस नहीं करते हैं सोचो कल्पना करो कि जो स्थानक बने हुए हैं वो तुमने बनाए जिन्होंने बनाया वहां जाकर के तुम आराधना करते हो कभी उनके उपकारों को महसूस किया है? ये प्राय ऐसा होता है कि हम संघ के उपकारों को महसूस नहीं करते मेरे तीर्थंकर परमात्मा जब समोशरण शरण में भद्रासन पर विराजमान होने के पहले नमो तीर्थस के करके संघ के उपकार को स्वीकार करते हैं जिसको पूरा जगत वंदन करता है कई लोग कई लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि तीर्थंकर कैसे वंदन करेंगे और मैं कहता हूं कि तीर्थंकर वंदन करे बिना रह नहीं सकेंगे कि वो तीर्थंकर बने किसके बल पर यदि आतिथ्य में उनको तीर्थ का आलंबन नहीं मिलता तो वो तीर्थंकर बनते हैं। इस जन्म में उन्होंने तीर्थ स्थापन किया है लेकिन पिछले जन्मों में तो तीर्थ का ही शरण लेकर के तीर्थंकर बने और मुझे नहीं लगता कि कोई तीर्थंकर कृतज्ञ हो पाएगा एक आदर्श एक उच्चतम प्रतिमान कि जिस संघ व्यवस्था ने मुझे शिखर पर पहुंचाया जिस संघ व्यवस्था के कारण से मैं आज इस पड़ाव पर पहुंचा हूं उस संघ के उपकारों को मैं सबसे पहले वंदन करूं देवर्धि गणित क्षमा श्रमण जब नंदी सूत्र की रचना करते हैं तो नगर रह चक पौमे संग समुद्र में जो ओमी जय संयम तम संग गुना यम वंदे संग को वंदन करते हैं क्षमा क्षमाश्रमन जिसके कारण से आज आपके मेरे पास मेरे पांच जिनवानी है उसका श्रेय किनको है देवर्धि गनी क्षमा श्रमण बोलिए नाम को ये हाँ याद होनी चाहिए कई नाम आपको आज जो भी शास्त्र आपके पास है मेरे पास है जो भी श्रुत आज है किसी भी परंपरा के पास वो यदि देवर्धि गनी क्षमा श्रमण लिपिबद्ध नहीं करते तो आज तुम्हारे पास और मेरे पास क्या होता है और कितनी छोटी सी बात से उन्होंने काम किया देवर्धि क्षमा सर दर्द हो रहा था और सर दर्द हो रहा था तो अपने शिष्य को कहा थोड़ा सोंठ का पीस लिया टुकड़ा लिया जिसे सोंठ घिस करके सिर पर लगा देंगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा वो संठ का टुकड़ा शिष्य लेकर के आया लेकिन स्वाध्याय में लगे हुए थे श्रुत आराधना में लगे हुए थे वो टुकड़ा कान पर रख लिया कि पहले ये आराधना पूरी हो जाए फिर सोंठ लगा लूंगा मैं और आप क्या करोगे पहले लगाओंगे कि पहले आराधना पूरी करोगे आज एक संकल्प लेना है आज एक संकल्प लेना है कि आराधना को खंडित करके कर शरीर को नहीं संभालूंगा आराधना को ब्रेक कर करके तन की सेवा नहीं करूंगा और एक छोटा सा प्रसंग कि उन्होंने चल रही ज्ञान की आराधना निरंतर चलने दी और एक ही विचार किया कि सरदर्द तो बाद में ठीक हो जाएगा यह पल मेरा ज्ञान आराधना का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और ज्ञान आराधना में लग गए तो सरदर्द कहाँ गया पता ही नहीं चला और ये सत्य है ये सत्य है જીસ સમય આપ તપસ્યા કરતે હો સરદર્દ હોતા હે ઉમે નમોન મેં લગ જા તો સરદર્દ તો નિકલ જાએગા તપ બના રહેગા આપને અખબાર થોડોસો માથો દબા લું બાદ નમો થુનમ કર લુ તો માથો દબાવો રે જાય ઘણી ક્ષમાશ્રમનને સોન કા ટુકડા કાન પર રખા और अपने स्वाध्याय में तल्लीन हो गए दर्द चला गया अरे आप रोज सुनते हो ये चार शरणा दुख हरना और न शरणा कोई हाँ और जब ये शरणा लेना रहता है तो दवा की शरण में जाते हो देवर्धि गणिक्षमा समन ने उसमें दवा का शरणा नहीं लिया ज्ञान का शरणा लिया प्रभु का शरणा लिया दर्द चला गया शाम के समय में खमासनों की वंदना करने के लिए जैसे सिर नीचे झुकाया तो टुकड़ा नीचे गिरा और दिवर दि गणिक क्षमा समाज टुकड़े को देखते हुए सोचते हैं कि मैं भूल गया सोन का टुकड़ा मैंने ला मंगवाया लगाना मैं भूल गया यदि शरीर के लिए मंगाई हुई वस्तु का भी विस्मरण हो सकता है तो प्रभु की श्रुतसा का तो कब विस्मरण हो जाएगा पता ही यदि मेरी स्मरण शक्ति इतनी कमजोर हो गई है तो आने वाले समय में तो ध्यान में रखना संभल करके सुनना ये आगम की धारणा ये आगम की मान्यता थी शास्त्रीय परंपरा थी कि एक पन्ना लिखना एक मछली का जाला बुनने में जितना पाप किसमें पाप एक मछली का जाला बुनने में जितना पाप उतना एक पन्ना लिखने में पाप इसलिए देवर्धि गणिक क्षमा श्रवन के पहले किसी ने लिखने की हिम्मत नहीं करी हिम्मत ही नहीं करी इतना पाप कौन ले शर्मा थे लेकिन देवर् गणित क्षमा ने देखा यदि ये आज नहीं करूंगा तो कल ये श्रुत ज्ञान का सूर्य रहेगा विरोध नहीं हुआ होगा ऐसा तो सोचो ही मत ये मनुष्य का स्वभाव है उसको सहयोग करने के बजाय संघर्ष करने में ज्यादा मजा आती है सहयोग देने में पता नहीं उसको कहां पसीना छूटता है और विरोध करने में पता नहीं कहां से ताकत आती है और ये निरंतर रहा है ये उस समय से लेकर तो आज दिन तक रहा है आज भी है कल भी रहेगा श्रमण सूर्य मर्धर किसी जी महाराज साहब ने स्थानकवासी परंपरा में आखा तीज के पारने सबसे पहले शुरू किए और उस समय उनके अलावा बाकी सबने उसका विरोध किया था कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया था बाकी तो छोड़ो आप आज क्या हाला है भूल गए सारे शास्त्रोधारक पुजैसी अमलो कृषि जी मरा साहब जिन्होंने सबसे पहले एकासन का तप निरंतर करते हुए साढ़े तीन साल में बत्तीस आगमों का हिंदी अनुवाद कर करके ज्वाला प्रसाद शाही लाला जी के सहयोग से संघ के अंगन में बत्तीस की पेटी भिजवाई कोई पंडित नहीं था और उस समय कोई जो सुविधाएं आज आप देते हैं वो सुविधाएं भी नहीं थी सेवा करनी शिष्य की ध्यान में रखना सेवा करनी शिष्य की तपस्या साथ में और शास्त्र का अनुवाद करना और साढ़े तीन साल में बत्तीस आगमों का हिंदी अनुवाद किया है जो जानकारी आपके पास नहीं वो जानकारी लीजिए उस समय उनको जैन समाज के कई संतों ने संत मानने से इनकार कर दिया है। ये साधु नहीं रहे क्या नहीं रहे साधु नहीं रहे आज किन के आगम हाथ में लेकर के बाजते हैं ये तो रहा सदा से ये मत सोचना कि देवर्धि गणिक क्षमा श्रमण का विरोध नहीं हुआ होगा लेकिन जिनके अंदर में जिन शासन की भक्ति होती है वो विरोध से कभी रुकते है, नहीं है तभी आज आपके पास पहुंचाए एहसास करिए उपकारियों के उपकारों को कितने उपकार है उस समय का वो संघ इतने आगम की राशि लिखना उसके लिए लेखनी रखना उसके लिए सारे कागज उपलब्ध कराना आसान था फ्री में मिलता था ये उपकार है उनके तीर्थंकर तो परमात्मा और तीर्थंकर परमात्मा की चली आ रही इस गुरु परंपरा का उपकार है कि जो जिनवानी और ये सारी धर्म हमारे पास पहुंची है दूसरा उपकार है संघ का है। और मुझे लगता है दुनिया में केवल एक जैन धर्म संघ ही एक जैन धर्म संघ के राम स्थानों का शिव मंदिर मार्ग नहीं बोलता हूं मैं जिस संघ में पदाधिकारी को तन भी देना होता है मन भी देना होता है धन भी देना होता है उन लोगों के जूते भी खाने होते हैं यहां मिलता कुछ नहीं है? किसी पार्टी के मेंबर बन जाओ तो बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन संघ के पदाधिकारी को क्या लाभ होता है कोई लाभ नहीं लेकिन सबसे बड़ा लाभ होता है कोई लाभ नहीं होता है यह आपका सोच सबसे बड़ा लाभ होता है पुण्यानुबंदी पुण्य का बंद होता है उनका पाप हाइब्रिड की फसल हो जाती है और उनका धर्म देसी फसल हो जाता पुण्यानुबंधी पुण्य को समझ लो हाइब्रिड में से बीज नहीं पनपता है हाइब्रिड की फसल होती है उसमें से बीज तैयार नहीं होता है और देसी फसल का फल बीज बन जाता है इसको कहते पुण्यानुबंधी पुण्य जो बीज में से फल को न फल में से बीज को जन्म दे जो भी मेरे जिन शासन के संग की सेवा करते हैं उनकी पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है सबसे बड़ा पद कौन सा है राष्ट्रपति की संगपति है ना राष्ट्रपति बनोगे तो पता नहीं कौन से कहा जाकर के गिरना होगा राष्ट्रपति बनने का मीनिंग है संसार के सारे पाप की अनुमोदना कंपलसरी करनी राष्ट्रपति का सबसे पहला काम क्या है? अनुमोदन अनुमोदन कतल खाना खोलना अनुमोदन आक्रमण करना अनुमोदन शराब खाना खोलना अनुमोदन इस अनुमोदन से क्या बनेगा और एक संगपति कोई बनता है उसको किसका अनुमोदन करना होता है धर्म का अनुमोदन पाप के अनुमोदन से तुम्हें कोई पोस्ट बचाती है तो एकमात्र संगपति की पोस्ट तुम्हें पाप का अनुमोदन नहीं कराती इसलिए बाकी सारे पद तुम परचेस कर सकते हो संगपति का पद परचेस नहीं हो सकता है कि ये परमात्मा के शासन का पद है तो ये उपकार आज उनका स्मरण करें। आषाढ़ी चौमासी पक्षी है और इसलिए आज सबसे पहले छोटे महाराज सब ने गीत गाया और उस गीत में से सबसे पहला पाप कोई मेरा जिंदगी का तुम्हारे जिंदगी का है तो कौन सा है उपकारियों के उपकारों को महसूस नहीं करना चुभेगी बात चुभनी चाहिए चुभेगी बात चुभनी चाहिए जो उपकारी के उपकारों को महसूस नहीं करता है उसको दुर्योधन कहते हैं कितने उपकारी है उसके पास कितने उपकारियों की फौज उसके पास है लेकिन एक भी उपकारी को दुर्योधन ने कभी धन्यवाद है अरे बाप को धन्यवाद नहीं दिया जो बाप उसकी हर बात पूरी करता था उस बाप को भी धन्यवाद है। जो विश्व पितामह अपने प्यारे पांडवों को छोड़कर उसकी ओर से लड़ रहे थे उसको भी धन्यवाद है द्रोणाचार्य को धन्यवाद है? नहीं कर्णों को भी धन्यवाद नहीं दिया उसने किसको कर्णों को धन्यवाद नहीं दिया क्या हाला है अपने क्या लवा लें अपने को उपकारी नहीं मिले कि आपने धन्यवाद नहीं दिए देखो भला एक बार महसूस कर करके यदि उपकारियों के उपकार याद आ जाए तो आंखों से गंगा जमुना के अलावा कुछ नहीं बहेगा कुछ नहीं बहेगा और इसलिए आज का पहला आपके पास सूत्र है कि मैं जिंदगी में कृतज्ञ कभी नहीं बनूंगा है। जिसको उर्दू में कहते हैं नमक हराम क्या कहते हैं सबसे बड़ी गाली कौन सी है नमक हराम है ना हरामी ये सबसे बड़ी गाली और नमक हरामी तो सबसे बड़ी गाली है और कृतघ्न को क्या कहते हैं नमक हराम मिल सकती है ना मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं है ना किसी का नाम लेगा तो पता नहीं कहाँ बात पहुंच तो जाएगी है अपनी पार्टी को छोड़कर के दूसरे पार्टी में जाने के बाद सीएम बन सकता है लेकिन उसको कृतज्ञ ही कहना पड़ेगा कृतज्ञ नहीं कह सकते हैं सत्ता तो मिल गई लेकिन लोगों के पास मैसेज क्या गया है और यदि देश का पद ऐसा मिलता होगा कृतज्ञ बन करके तो लोगों को कृतज्ञ होने के लिए मैं सिखा कैसे पाऊंगा मैं फिर कहता हूं कि बहुत सारी बातें आपको चुभेगी मैं उन संतों को संत के रूप में वंदन नहीं कर पाता हूं आपने मेरा एक रूप देखा है कि मैं सभी महापुरुषों के वंदन के लिए ले जाता हूं लेकिन जिन्होंने संग भेद कर करके अपना डंडा चलाया उनको मैं देखना भी पसंद नहीं करता देखना भी पसंद नहीं करता वंदन करने के बाद तो दूरी रह गई किसी को घर तोड़ने वाले को तुम वंदन करोगे बोलो और तुम यदि किसी के घर के तोड़ने वाले को वंदन करते हो तो तुम तुम्हारा घर तोड़ने वाला तैयार करते हो नहीं संघ के उपकार है तीर्थंकर परमात्मा के उपकार है ये गुरुओं के उपकार है और उन उपकारों के प्रति समर्पित रहना यह सम्यक दृष्टि का पहला लक्षण है और आज की आपकी चौमासी पक्षी की तरफ आ रहा हूं कल मैंने आपको दो बातों की प्रेरणा दी थी क्या छोड़ना है वो तय करो और क्या लेना है वो तय करो एक बात तय मत करना है ये छोड़ रहा हूं इतना तय मत करना है उसके बदले में क्या करोगे वो भी तय करना है यह दो बातों से काम चलता है त्याग और ग्रहण त्याग और ग्रहण त्याग और ग्रहण केवल त्याग करोगे तो खाली हो जाओगे केवल ग्रहण करोगे तो मम्मन सेट हो जाओगे दोनों ही करना पड़ता है जो छोड़ने योग्य उसको छोड़ना जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण करना है एक लिस्ट बनाने के लिए कही थी जम सक तम आज सुबह एक भव्य आत्मा का संदेश आया है समाधान कैसे मिलता है उस भव्य आत्मा ने ऑनलाइन कल का प्रवचन सुना है और कहा कि मारा साहब पूरे 24 घंटे और जीवन का मंत्र बना लिया मैंने जम सक जो मैं कर सकती हूं करते चले जाऊंगी और जो शब्द उसने कहे कि मारा साहब उसके बाद मेरे मन में से शिकायत निकल गई मैंने मेरी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली जब ये रिप्लाई मिलता है ना तब लगता है कि सुधर्मा स्वामी के मंच पर बैठ करके कुछ सुधर्मा स्वामी का काम किया ये पट्टा किसका है सुधर्मा स्वामी का पट्टा है तुम शांति से क्यों सुन रहे हो ये सुधर्मा स्वामी का पट्टा इसलिए सुन रहे हो नहीं तो इतना बखान थाने कोई घर में दे दे सुन की ताकत है छोटा तो सा पचकान जितने प्रेम से तुम यहां सुनते हो उतने ही प्रेम से शांति से घर वालों का सुनना क्या मजा आ जाएगा घर में शांति है ना? और गजब की शांति होगी इतने प्रेम से कही बहु ने सास की बात सुन ली और सास ने बहू की बात सुन ली कमी किसकी घर में मारी कोई सुने इसको नहीं कुं बोले आज तक सब बोलते हैं। थे कि सुनो ठीक सुनो तो आज का पचकान है चार महीने अपने जो लिस्ट बनाई वो आपके पास है ना आज की एक लिस्ट में, में मेरा एक जोड़ लेना कि हम घर में घर वालों को शांति से सुनेंगे ना आज तो सारे होम मिनिस्टर प्रवीण ऋषि पर खुश हो गए इनकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है ये बोलते क्या है ओ सुनो कई पहले वाक्य कह रहे उनको सुनो कई मुझे थे सुनो कि नहीं सुनो या तो घर में घर वालों की शांति से सुनना तो घर में कभी अशांति नहीं होगी आज चौमासी पक्की है आषाढ़ी चौमासी पक्की है आज, आज पाप के दरवाजे जितने बंद कर सकते हो उतने पाप के दरवाजे बंद करो और जितने धर्म के दरवाजे खोल सकते हो उतने दरवाजे खोलते चले जाओ दरवाजे बंद करते चले जाऊंगे और दरवाजे बनाऊंगे नहीं तो जेल खाना बन जाएगा दरवाजे बंद कर करके दरवाजे बनाते चले जाऊंगे तो घर बनेगा क्या करना है जेल खाने में क्या रहता है दरवाजे बंद तो दरवाजे केवल बंद भी करने हैं कि केवल खोलने भी हैं और पूरे खोल दोगे तो धर्मशाला हो जाएगी पूरे खोसूँगे तो धर्मशाला हो जाएगी पूरे बंद कर दोगे तो जेल खाना हो जाएगा ना अपने को जेल खाना भी नहीं चाहिए धर्मशाला भी नहीं चाहिए इसलिए जो बंद करने हैं उनको बंद करना और जो खोलने हैं वो खोलना है लिस्ट मुझे तो खुशी है कि आज एक बंधु ने कार्यक्रम मंगला मंगलाचरण करने के पहले बंधु यहीं पर होगा शायद जिन्होंने एक पर्ची ला करके पचकान ले ली है हाँ एक ही श्रावक जी वे ही गया अभी अठीस मतलब ओ वही श्रावक जी उन्होंने आए पर्ची पकड़ाई मैं समझ गया कि कल का माल है और पचकान ले लिया उन्होंने ऐसे बहुत लोगों ने लिया आज और खुशी यदि आपको करनी हो तो मना सकते हो जवान सारे पचकान लेकर के गए हैं पिछले पाँच छः करीबन दस बारह दिनों से जवान मंगल पाठ के साथ पचकान लेकर के जाते बिना पचकान का मंगल पाठ है। देते हैं। और कई जवान तो ऐसे हैं जो जनरल पचकान होने के बाद स्पेशल पचकान लेने के लिए पास में आते हैं मास्टर साहब स्पेशल पचकान दो है तो ना जनरल पचकान के साथ स्पेशल पचकान तो आज का दिन किसका है कौन से पचगा क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा क्या बोलूंगा क्या नहीं बोलूंगा क्या सोचूंगा क्या नहीं सोचूंगा क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा कब खाऊंगा कब नहीं खाऊंगा क्या भावना भाऊंगा क्या भावना नहीं भावंगा कौन सी नजर से देखूंगा कौन सी नजर से नहीं देखूंगा क्या लूंगा क्या नहीं लूंगा क्या दूंगा क्या नहीं दूंगा दोनों तो ही तय करना है एक वो च एक वो निवृत्ति परमात्मा का धर्म कैसा है एक तरफ प्रवृत्ति करनी एक तरफ निवृत्ति करनी एक तरफ से रिटायरमेंट करनी एक तरफ से अपॉइंटमेंट लेनी दो ही करना पड़े केवल रिटायरमेंट ले ली तो यूजलेस हो जाओ ना केवल अपॉइंटमेंट लेता गया तो गधा बन जाओ ना इसलिए रिटायरमेंट भी लो और अपॉइंटमेंट भी लो लिस्ट बनी कि बननी है आपकी तो पहले उस लिस्ट का, का काम कर लो जिनकी लिस्ट पेपर पर नहीं होगी वो अपने मन पर जल्दी से बना ले मैं बोलता जाता हूँ आप अपना तय करता जाए कि आपने को ये करना है कि नहीं करना आपकी इच्छा पर है ना मैं चार महीने एक सामायिक धर्म सभा में करूंगा है ना मैं धर्म सभा में जो नहीं आते हैं उनको जोड़ने का प्रयास तब तक करूंगा जब तक वो जुड़ते नहीं है मैं मेरे घर में किसी भी प्रकार की अशांति हो ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा चार महीने मेरी द्रव्य की मर्यादा में करता हूं दस पंद्रह बीस जो करनी वो करी है। और सबसे सुंदर उपाय जिन शासन का है कि मैं चौदह नेम चितारे बिना दिन की शुरुआत नहीं करूंगा सामायिक प्रतिकमन मुझे आता है तो मैं प्रतिकमन करूंगा कराऊंगा मुझे प्रतिक्रमण नहीं आता है तो जो प्रतिक्रमण कराते हैं उसमें मैं जुड़ूंगा दो महीने चार महीने में शिल व्रत का पालन करूंगा चार महीने तक मैं होटल के तरफ नजर उठा करके नहीं देखूंगा जमीन कंद का ग्रहण नहीं करूंगा रात्रि भोजन नहीं करूंगा कच्चा पानी नहीं काम में लूंगा जितना मेरे से जल का संयम हो सकता है उतना जल का संयम करूंगा जितना मेरा स्क्रीन टाइम कम हो सकता है कौन सा हमें तो अजीश ने एक बड़ा सुंदर प्रस्ताव दिया है कि बोले महाराज साहब ये उपवास कराते हैं ना एक नया उपास शुरू कराओ मोबाइल फास्टिंग सोशल मीडिया की फास्टिंग और मेरा आग्रह रहेगा जो आहार की अठाई नहीं कर सकेंगे उन्होंने आठ दिन सोशल मीडिया की अठाई कर लेनी वकीला वो मीडिया की अठाई के वजह तो यह अठाई ठीक है ना? कितना स्क्रीन टाइम रहेगा कितने हम मोबाइल का यूज़ करेंगे वो टाइम की एक मर्यादा बांध लीजिए कल से अपनी धर्म सभा का बिल्कुल व्यवस्थित स्ट्रक्चर शुरू होगा सवा नौ बजे धर्म सभा शुरू होगी कितने बजे क्योंकि आठ से नौ युवकों का क्लास चलेगा और मेरा सभी सीनियर लोगों से आग्रह है कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा समय का डिसिप्लिन सीखें किन से अच्छा नहीं लग रहा बड़ों को ये बोलना कि छोटों से सीखो ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं आया हूं वो यहां नहीं है मेरे आने के पहले वो यहां रहते हैं आठ बजे का क्लास है शायद गिना चुना होगा जो कोई आठ पांच के बाद आता होगा और इसलिए उनके साथ बात पहले पल से ही गाड़ी शुरू हो जाती वहां तवा तपाने की जरूरत ही नहीं रहती है आपके यहाँ क्या हमको तीन चार भजन गाने पड़ते हैं जाजम जमाने के लिए और वहाँ मुझे जय बोलो महावीर स्वामी की भी बोलने की जरूरत नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि जय बोलो महावीर स्वामी के हम बोलते हैं बक्ती, बक्ती हम भक्ति भक्ति तो हम करके आएंगे वो तो तुम्हारी जाजम जमाने के लिए करते हैं है न और यदि आपने एक छोटा सा सूत्र अपना लिया कि मुझे धर्म सभा में जाना है धर्म सभा का सम्मान करना है मुझे धर्म सभा अपमान नहीं करना है तो मैं धर्म सभा में समय के पहले पहुंचूंगा आप सोचिए आप जब धर्म सभा में समय पर नहीं पहुंचते हैं उस समय आप धर्म का सम्मान करते अपमान करते हैं और जिसका तुम अपमान करोगे वो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कैसे करेगा प्रवेश तो वही करेगा जिसका आप सम्मान करोगे इसलिए धर्म सभा का सम्मान करने के लिए सवा नौ बजे के आपके धर्म सभा का समय है सवा दस बजे मंगल पाठ होगा कितने बजे सवा दस बजे मंगल पाठ होगा चाहे मुझे मेरा सेंटेंस अधूरा छोड़ना पड़े तो भी मैं छोड़ूंगा लेकिन सवा दस का मंगल पाठ पक्का रहेगा आप आराम से मंगल पाठ सुनकर के टाइम देख सकते हो तो रविवार का देख लेंगे सैटरडे को सूचना दे देंगे क्योंकि रविवार का अपना आप कह रहे पंद्रह मिनट लेकिन रविवार का शायद हो सकता है कि अपने अगले रविवार तो सारे आठ से दस में पूरे होने चौबीस तारीख का आठ से दस गौतम निधि का कार्यक्रम अगले कार्यक्रम तो अपने सारे चलने वैसे ही जिस समय भी समय की आपको पूर्व सूचना सैटरडे को दी जाएगी जिस दिन समय अलग लगेगा समय सूचना देंगे जो डिक्लेयर करना वो क्लियर करना जो क्लियर करना वो डिक्लेयर करना जो कर नहीं सकते वो बोलना नहीं जो बोलते वो करे बिना ना नहीं अपने वचन के ऐसी गरिमा बनाओ कि लोगों को लगे कि जो बोलते हैं वो ये करते हैं तो धर्म सभा की डिसिप्लिन रहेगी सवा दस बजे मंगल पाठ होगा मंगल पाठ के बाद सेकंड मंगल पाठ जब भी अवसर रहेगा तब करेंगे पचकान सूचना बाकी सारा जो कुछ है वो समेटने के बाद वापस एक बार मंगल पाठ करेंगे टेंशन मत लीजिए है ना लेकिन पहला मंगल पाठ और उसकी उसके लिए आपने क्या करना है आपने भी मंगलाचरण सवा नौ बजे करना है मंगल पाठ सवा दस बजे चाहिए तो मंगलाचरण आप लोग बहुत होशियार हो मंगलाचरण तो हम कभी भी करेंगे मंगल पाठ सवा दस को चाहिए ऐसा मत करिए जिस स्कूल के स्टूडेंट को डिसिप्लिन नहीं हो और टीचर डिसिप्लिन में हो उस स्कूल का रिजल्ट क्या लगेगा स्टूडेंट कभी भी आएगा टीचर ने समय पर आना है और हमें ऐसी स्कूल का टीचर बना के रखा है कि आपने टाइम पर नौकर मंत्र शुरू करना है स्टूडेंट कभी भी आ सकता है और रोकने जाओ तो हमारे साहब जितो सुने उतो अच्छो ना अब वो कई मालूम जितो सुने उत तो अच्छो की खतरनाक पहली बात सुनेगा नहीं अगली बात सुनेगा अधूरी बात सुनेगा बाहर जा के क्या महाभारत करेगा भरोसा इसलिए पहली बात से सुनिए सवा नौ बजे मंगलाचरण सवा दस बजे मंगल पाठ आई आज के आई की लिस्ट और कल के आई के नाम आज डिक्लेयर होंगे है ना वन डे बिफोर नाम डिक्लेयर रहेंगे कल के आई करने वाले के ये पक्का ध्यान में रखिए बाकी आपके और कोई सुझाव हो और गुरुदेव का जन्मोत्सव सप्ताह बावीस जुलाई से बोलो ना क्या हो रहा शुरू तपोत्सव क्या शुरू हो रहा है जन्मोत्सव तो मैं ही बोलूंगा आपको क्या बोलना है तपोत्सव है ना आनंद जन्मोत्सव की है बधाई अठाई है ना घर घर से अठाइया आनी ही चाहिए और उसके पहले के बाविस तारीख को आई मिल बाईस तारीख को आई एम बिल और आई एम बिल की जिम्मेदारी जब भी वर्धमान महिला मंडल की मेरे पास बैठक हुई है जब भी उनको पूछा क्या करेंगे मां साहब आठ दिन के कार्यक्रम की जिम्मेदारी हमारी है आई एम बिल हम कराएंगे एक आसन हम कराएंगे दया हम कराएंगे आप समय आ गया है रिपोर्ट लेने का है ना आप समय आ गया है रिपोर्ट लेने का मेरे पास बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है जिन्होंने समय की जिम्मेदारी ली जैन संस्कार मंच उनकी रिपोर्ट मेरे पास है जाप की जिम्मेदारी जिन्होंने ली उनकी रिपोर्ट मेरे पास है आठाई की जिम्मेदारी जिन्होंने ली उनकी रिपोर्ट मेरे पास है गौतम निधि की जिम्मेदारी जिन्होंने ली उनकी रिपोर्ट मेरे साथ है वो मेरे कम्युनिकेशन में है वर्धमान महिला मंडल तक वर्धमान के साथ ही कम्युनिकेशन में है और कोई वर्धमान महिला मंडल का पदाधिकारी हो तो मुझे बताएं कि बाईस तारीख के आएम बिल की कितनी तैयारी आपकी हुई है क्योंकि कल भी ये पूछा गया था सुकन्दराज साह भी मुझे कह रहे थे कि बोले मारे सब मेने मालम तब पड़े कहीं करना देखो तो ये तो आपका भाई वर्धमान महिला मंडल है।, है ना समाचार तो मैं करावला थे आचार कराओ जो था की जिम्मेदारी आचार की है हमारी जिम्मेदारी समाचार की है न तो एकासन की जिम्मेदारी वर्धमान महिला मंडल की है आय की जिम्मेदारी वर्धमान महिला मंडल की है आंकड़ा उनके पास आ जाए और जल्दी से आएम बिल बाईस तारीख के आय बिल एक आसन अगले सारा का आप अपना देखें मैं तो ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि और कल से कल शाम से इस हॉल में आप समय के कपड़े बदलने के लिए जा नहीं सकोगे परसों क्योंकि कल से शाम से बहत्तर घंटे का पुरुषाकार का शिविर वहां शुरू होने जा रहा है नहीं तो फिर आप और झाका झाके करने की जरूरत नहीं है आपको देखना है तो सहभागी हो जाना है ना वो कांच में से जाने देखे कई कर रहा है और जब आप देखने जाओगे तो साधना करने वाला आप डिस्टर्ब करोगे कि डेवलप करोगे तो है पीड़ित थे इतने अंतराय बांधे और क्यों अंतराय बांधो वो साधना कर रहे बहत्तर घंटे का टाइम वो दे रहे उनकी साधना मेरा बांधो या भावना भाई जिनको अब जुड़ना हो तो काउंटर की क्या व्यवस्था करिए है? है ना तो बाहर काउंटर भी लगा है उसके बाद अष्टमंगल का शिविर होगा और आज रात से अरहम गर्भ संस्कार का ऑनलाइन शिविर शुरू होने जा रहा है केवल जोधपुर वालों के लिए मैं कार्यालय को सूचना देता हूँ कि वो आज भी रजिस्ट्रेशन करें तो उनको स्वीकार कर लें ऑनलाइन कार्यक्रम है साढ़े आठ से दस कार्यक्रम है मोर देन थ्री हंड्रेड रजिस्ट्रेशन उसके हो चुके हैं जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना हो कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन किसने करना है जिनको माँ बाप बनना है उन्होंने करना जो माँ बाप बने उन्होंने करना है नहीं तो दादा दादी आने रजिस्ट्रेशन कर लो उठे उनके सूत्र बहुत अच्छे रहते हैं मारा साहब कहीं भी अच्छे हैं तो सुनने में कहीं दिक्कत है अरे बस जीरा लिए रसोई बनी उन्हें खाऊ देना तो आज यही प्री प्लानिंग का सेशन शुरू होगा रात को साढ़े आठ से दस और एक खुशी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं कि नियोजन करते करते क्या हो गया कि दोनों दो शिविर का टाइम टेबल एक साथ आ गया साढ़े आठ से दस का ये भी ऑनलाइन और हमारा टी टी पी फोर का भी ऑनलाइन का समय वही नौ से दस का लेकिन क्या हमारे ट्रेनर हैं क्या हमारे सहयोगी हैं क्या हमारे टीचर हैं और हमें जाके एक आधा घंटे के मीटिंग के अंदर सारी शिविर के संचालन की जिम्मेदारी हमारे पूरे टीचर्स ने स्वीकार कर ली और मुझे फ्री कर दिया ऐसे सहयोगी जब मिलते हैं तो उनके साथ काम करने में योग का आनंद आता है तो ये सारे शिविर का कार्यक्रम चल रहा है बाकी आनंद मंगल आज के और आज दोपहर में तीन से चार गुरु भक्ति का कार्यक्रम है अपने उपकारियों के चरणों में मत्था झुकाने का कार्यक्रम है जिसका व्याख्यान अभी हुआ है उसका अनुष्ठान दोपहर में तीन से चार होगा मुझे पता है कि आप सारे वर्किंग में हो लेकिन मेरा आग्रह रहेगा भाइयों से भी कि गुरु भक्ति के उस अनुष्ठान में एक बार सहभाग्य होकर के देखिए जिंदगी भर गुरु कृपा का कैसे अनुभव किया जा सकता है एक ध्यान में रखना गुरु कृपा कुरु के साथ तुम जुड़े रहे तो दुनिया के किसी भी दुश्मन की परवाह करने की जरूरत है और गुरु कृपा तुम्हारे साथ नहीं है तो कोई भगवान भी तुम्हारे साथ है, नहीं है इसलिए दोपहर का गुरु भक्ति का अनुष्ठान तीन से चार होगा और उसके बाद यही पर यहीं पर होगा नहीं मे अठागलों में यहां नहीं था क्योंकि तुम्हारा चल रहा था ना चलते में कहा बैठो आकर के तुम बैठ गए तो मैं बैठ गए चार से पांच जिन्हें आचार्य भगवंत श्री ऋषि जी महाराज साहब को अपने गुरु के रूप में स्वीकारना है वो गुरु मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही चार से पांच है मुझे और मेरी बिल्कुल क्लियर स्पष्ट भूमिका है जिन्होंने किसी की गुरु धारणा ली है उन्होंने उस गुरु धारणा के कार्यक्रम में आना नहीं है एक गुरु धारणा बदलने का कार्यक्रम का गुना मैं करता नहीं हूँ लेकिन जिनकी गुरु धारणा नहीं है उनको गुरुधारणा लेने के लिए मेरा खुला आमंत्रण है कि ऐसे गुरु के चरणों में आपको सौंपूंगा कि मेरे जैसे नालायक को भी उन्होंने संभाल लिया तुम तो मेरे से बहुत लायक हो बहुत लायक हो नहीं आपको आश्चर्य लगेगा जब तक मैं गुरु चरणों में नहीं था सवन शरी का व्यासना भी नहीं कर पाता था एकासन उपास तो दूर की बात नींद में से उठा के पहले कठोरदान चाहिए अरे गुरु चरणों की कृपा है कि सारा कुछ हो रहा है ऐसे समर्थ गुरु हैं और इसलिए उनके साथ जोड़ता हूं तो जिनको भी गुरु धारणा करनी है करवानी है लोकल की वो चार से पांच यहीं पर आ जाए जो बाहर गांव वाले हैं वो ऑनलाइन करेंगे बाक़ी लोकल के लिए चार से पांच का है सत्रह तारीख से बच्चों का शिविर शुरू होने जा रहा है और आवश्यकता है हमें टीचर्स की बच्चे तो आ गए और तीर्थ शिश्री महासब ने कहा कि माँ साहब जोधपुर में टीचर नहीं मिल रहे मैंने कहा भैया पूरे भारत को टीचर पुराने वाली जोधपुर नगरी है यहाँ टीचर नहीं मिले तो कहीं कही ना कहीं खोज में कमी है यहाँ तो एक गली में टीचर मिल जाएंगे तो जो भी टीचर्स का योगदान देना चाहते हैं सामयिक प्रतिक्रमण थोकड़ा सिखाने में बच्चों के लिए वे माताएं बहनें और भाई लोग शिषि मा से संपर्क करें क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा हमारा ट्रेनिंग का कार्यक्रम रहता है कल हमने ट्रेनिंग दे दी और ट्रेनिंग का सूत्र मैं बता रहा हूँ आपको कि सारे टीचर्स को एक बात कही गई है किसी ने भी किसी भी परंपरा का जिक्र नहीं करना है केवल धर्म सिखाना परंपरा सिखानी नहीं वहां पर किसी बहन ने पूछा प्रतिक्रम के पांच पाठ और एक बहन ने जवाब दिया गच्छ मैंने बिल्कुल नहीं किसी भी गच्छ का जिक्र करना नहीं इतना ही कहना कि प्रतिकोण के पांच पाठ भी बोले जा सकते हैं नहीं बोले बिना काम चल सकता है किसी भी परंपरा का उल्लेख और उंगली उठाने का अधिकार इस शिविर में नहीं है हर परंपरा का अपना स्वाभिमान है हर परंपरा के अपनी प्रामाणिकता है हमें किसी की परंपरा का पोस्टमार्टम करने का अधिकार नहीं है ऐसे कुछ ट्रेनिंग पहले उनको देना जरूरी है इसलिए जो जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़े आज के पचकान उगे सूर्य एक समय के उपरांत तीन आहार के बतकान्यान ओसरे ओसरे पहले सौमासी के पचकान अपने मन में धारणा करो लिखा है तो लिखी हुई धारणा नहीं लिखी हुई तो सोची हुई धारणा है हा? और मेरे पीछे बोलिए नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयेरियानम नमो वज्ञानम नमो लोय सवसाहम ओ पंच परमेष्टि परमात्मा मुझे जिन शासन मिला जिनेश्वर की कृपा मिली गुरुओं का मार्गदर्शन मिला चातुर्मासिक पर्व की आराधना करने का सौभाग्य मिला इस चौमासी पक्षी के अवसर पर मैं अगले दो महीने चार महीने एक साल जाओ जीव के लिए जैसा आपका मन हुआ ये सब जब मैं ऑप्शन देता हूँ तो उसका मतलब जो आपको जचे वो करिए इतने दिनों के लिए इन वस्तुओं का इन बातों का त्याग कर रहा हूँ जिसका जिसका त्याग करना मन में सोच लीजिए ये मैं नया ज्ञान सीखूंगा ये तपस्या करूंगा ये सामयिक करूंगा प्रतिकमन करूंगा ये मेरा संकल्प अभग्गो अविराहि हो हु तव संकल्प हो तव पसाया तब पसायाए, पसायाए ओके आज का आयमवील उगे ईश्वरी अम बिलंबत का मे लेवल सहसा करे न महत्ता करे न सो समया वत्या करे न ओसरे 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 आज का उपवास आज तो जोधपुर में कोई बैठा हुआ नजर नहीं आना चाहिए उगे सूर्य मद टम्बत का तिविहम पे हरण स्वासनम खाइम साइम सहसा करे न महत्ता करे न सो समया ओसरे 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 आज का बेला उगे सूर्य छट्ट भत्तम भत्का दिव्यम प्यहारम स्वासुना खाइम साइम सहसा गेनम महत्ता ओश्रे ओश्रे समययावत्यांग आज का तेला तीन उपास